गुड मॉर्निंग। यह एक वैरायटी जिसे हम वेन डायग्राम यूज करके बनाएंगे, यह आपको रीजनिंग में भी नजर आता है और मैथ्स में भी नजर आता है, दोनों पेपर में दिखाई देगा, एसएससी, रेलवे, स्टेट कमीशन, सीसैट, बैंक की परीक्षा, सब जगह इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा। समूह में 70% व्यक्ति हिंदी बोलते हैं, 60% व्यक्ति या हिंदी या अंग्रेजी बोलते हैं, 20% व्यक्ति न हिंदी न अंग्रेजी बोलते हैं, कितने प्रतिशत व्यक्ति अंग्रेजी बोलते हैं, ये प्रश्न मैंने आपसे पूछा है। तो यहाँ दो कैरेक्टर की बात करते हैं, एक कैरेक्टर हिंदी है और एक कैरेक्टर इंग्लिश है, तो एक हिंदी डाल दिया और एक अंग्रेजी डाल दिया। जब आप दो कैरेक्टर की बात करते हैं तो मात्र चार क्षेत्र आपके पास होता है, क्षेत्र ए, क्षेत्र बी, क्षेत्र सी और क्षेत्र डी। अगर हम इन सब को ऐड करते हैं तो ये टोटल बनता है, टोटल जो प्रतिशत के अनुसार 100% होता है। ये सब चीज एक जानकारी पहले रहनी चाहिए, जब ये जानकारी रहेगी ना तो एग्जामिनेशन में बस खाली पढ़ना है और वो डायग्राम बना करके केवल डेटा फीड करके अपना आंसर दे देना है। अब इस केस में एक चीज देखिए क्या कहलाता है, ए कहलाएगा केवल हिंदी, ये जो है ना वो कहलाएगा केवल हिंदी, सी कहलाएगा केवल अंग्रेजी, ये कहलाएगा केवल अंग्रेजी, ये बी वाला एरिया कहलाएगा अंग्रेजी प्लस हिंदी दोनों बोलने वाले, और डी होगा न हिंदी न अंग्रेजी। अगर हम हिंदी शब्द की बात केवल कहें कि हिंदी पढ़ बोलने वाले, तो ये ए और बी मिलाकर हिंदी बोलने वाले, तो ए और बी मिलाकर, वैसे ही अंग्रेजी बोलने वाले अगर हम कहेंगे तो अंग्रेजी बोलने वाले होंगे बी और सी मिलाकर। तो ये जानकारी पहले से रहती है। अब सोचिए इस जानकारी के साथ अब हम आंसर देते हैं यहां पर, अब परीक्षा के हिसाब से आप कैसे काम करते, देखा कि दो कैरेक्टर है, तुरंत दो सर्कल ऐसे ओवरलैप करते हुए बना लीजिए, ये हिंदी लिख दीजिए, यहां अंग्रेजी लिख दीजिए। यह मालूम है चार क्षेत्र है, सबका जोड़ आपका 100% होना चाहिए। समूह में 70% व्यक्ति हिंदी बोलते हैं, मतलब ये दोनों क्षेत्र मिलकर 70% होगा। उसी समय ध्यान गया कि बचा हुआ दोनों क्षेत्र मिलकर 30% होना चाहिए। 60% व्यक्ति या हिंदी या अंग्रेजी बोलते हैं, या हिंदी या अंग्रेजी का मतलब होता है ये बाहर का ये वाला क्षेत्र और इधर का ये क्षेत्र, यानी यहां के अनुसार ए और सी मिला करके, ये दोनों मिला करके आपका ये और ये मिला करके आपका 60% होगा, 60%। 20% व्यक्ति न हिंदी न अंग्रेजी बोलते हैं, ये आपका कंफर्म हो गया 20% आदमी बाहर का। बोलिए कंफर्म हो गया ये 20% व्यक्ति बाहर का, तो ये तीनों मिलकर 80%, 100 में 20 हटा देना 80%, जिसमें ये है 70, तो ये जब 70 है तो ये बच जाएगा 10, तो ये हो गया 70, 10 80 और 20 100, ये दोनों एरिया मिलकर के आपका 60 है, ये 10 है तो इधर का एरिया 50, 50 और 10 60, और ये दोनों एरिया मिलकर के 70 था, ये 20, ऐसे भी जोड़ लीजिए 100 होना चाहिए, 50 20 70 10 80 20 100। अब क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा कितने प्रतिशत व्यक्ति अंग्रेजी बोलते हैं, तो यहां अंग्रेजी बोलने की बात अगर करें तो ये है अंग्रेजी बोलना, ये पूरा सर्कल अंग्रेजी बोलेगा, 20 और 10 जोड़ दीजिएगा, ये जोड़ देंगे आंसर हो गया 30%, सी नंबर ऑप्शन, ये रहेगा सी ऑप्शन आपका 30% का। तो इस तरह के क्वेश्चन को ये आपका वेन डायग्राम का यूज करते हैं और उससे हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन कितना भी घुमाकर दिया जाए, ट्विस्ट किया जाए, हम लोग इसमें बनाने की स्थिति में रहेंगे, ठीक है। आगे के क्लास में फिर सीखेंगे दूसरा वैरायटी, आज यहीं तक।